गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट और बाकी तो आप जानते ही हैं मैं विकास सर। गाइस दिस सेशन वाज गोइंग टू बी रॉक एज आई टोल्ड यू लास्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वीडियो प्रीवियस ईयर जेई मेंस एंड एडवांस क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गाइस आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर जेई मेंस एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टू वीडियोस में हम लोगों ने एथेनॉल SN2 मैकेनिज्म को फिनिश किया था, उसी से रिलेटेड आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फाइन आप पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए क्योंकि ये जो क्लास होने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इससे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सब्स्टिट्यूशन एथेनॉल SN2 के किस लेवल के आए हुए हैं। ओके गाइस चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने, क्विक रिएक्शन करना आपको। जैसा कि मैंने बोला था क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आपके सामने जेई मेंस के हो आपको विद इन सेकेंड में आंसर करने होते हैं, 5-10 सेकेंड में आंसर आ जाने चाहिए। एडवांस के लिए आप 1 मिनट ले सकते हो, ठीक है। फाइन पहला क्वेश्चन SN1 रिएक्शन इज फिजिबल इन। गाइज सबसे पहला SN1 रिएक्शन फिजिबल किसमें है ये पूछा है, तो सबसे पहले आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए SN1 SN2 दोनों रिएक्शन हम लोगों ने गाइस पढ़ लिया है। SN1 का नाम आते ही दिमाग में हमारे क्या आता है, इट इज 2-स्टेप प्रोसेस, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, फास्टेस्ट रेट टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। गाइस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फास्टेस्ट रेट टुवर्ड SN1 मैकेनिज्म। गाइस तीनों को जरा देखिए ये क्या है, अरे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड जो सब्स्टिट्यूशन देता ही नहीं चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो, ये क्या है, ये भी 1 डिग्री। यानी आपका आंसर बिना किसी देरी के पहला वाला आ गया गाइस, SN1 रिएक्शन फिजिबल इन फास्टेस्ट रेट इन फर्स्ट ऑप्शन। फाइन गाइस ये आपके AI EEE में आया था। एक एक करके गाइज हम लोग क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे फ्रॉम 2002 टिल 19। फाइन पहला क्वेश्चन नोट कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लुक एट नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। गाइज इस बार इस रिएक्शन में ये बिल्कुल नहीं पूछा है कि ये रिएक्शन SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा, बस आपको दे दिया गया रिएक्शन, कह रहा इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में आपको बताना। जरा अपने आप पहचानिए, अपने आप इसे देख के बताइए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे क्या लगा हुआ आयोडीन, रिएक्शन किससे किया गया है सोडियम साइनाइड से इन प्रेजेंस ऑफ DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। समझ में आया कौन सा सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 मैकेनिज्म फेवर, ये अपने आप बता दिया। अब गाइज ये बात बताइए क्लोरीन रिप्लेस होगा या आयोडीन, कौन रिप्लेस होगा एग्जैक्टली, बिना किसी देख कि डाउट के आप बता पाओगे क्या, क्लोरीन रिप्लेस होगा गाइस। क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन से लगा हुआ है और ये डायरेक्ट बेंजीन से लगा हुआ है, तो इस केस में क्या करेगा ये CN- क्या करेगा इस पे अटैक कर देगा और ये Cl निकल जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन गाइस। फाइन AI EEE 2006 में आया था गाइस, इसमें जरा सा भी टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ रखा है SN1 SN2। फाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से आयोडाइड नहीं रिप्लेस होगा, नोट कीजिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्टिविटी पूछ रहा है गाइज, ट्राई कीजिए बहुत तेजी से ट्राई कीजिए, केवल आपको डिग्री ऑफ हाइलाइट देख के ही बता देना होगा। हो गया फाइन, हो गया ये क्या है 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री, हमने क्या सीखा है रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये रिएक्टिविटी सीखा है। फाइन तो जरा देखिए 1 डिग्री कहां पे है, यहां पे 1 डिग्री, यहां 1 डिग्री, तो इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होने वाला, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी गाइस सेकेंड ऑप्शन आपका सही होने वाला आंसर है। फाइन तेजी से आंसर करना होगा गाइस, उस
उन लोगों के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट फील हो रहा होगा या नया नया लग रहा होगा जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा होगा, जिन्होंने SN1 SN2 वाले वीडियो नहीं देखे हैं, या फिर जिसने थर्ड वीडियो नहीं देखा, कौन सा SN1 वर्सेस SN2, गाइस उनके लिए थोड़ी सी ट्रबल हो रही होगी, लेकिन जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देख रखा उनके लिए बहुत ही फाइन लग रहा होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा, एकदम बेकार सा क्वेश्चन। फाइन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री SN2 की रिएक्टिविटी हम लोगों ने एकदम स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। फाइन, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2007 में IEEE अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस। अगले क्वेश्चन में अगर आप वापस आते हैं तो समझ में आता है, द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड व्हिच शो कंप्लीट स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। कौन सा क्लोरो कंपाउंड गाइज कंप्लीट इन्वर्जन शो करेगा SN2 मैकेनिज्म में? गाइज इन्वर्जन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, SN2 में ही इन्वर्जन हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ इस तरह से इन्वर्जन हम लोगों ने पढ़ा है गाइज, कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अप्रोच करता है तो फाइनली जो प्रोडक्ट आता है वो कुछ इस तरह से आता है। फाइन, इस तरह से इन्वर्जन प्रोडक्ट आता है कुछ इस तरह से गाइस, याद है आपको मैंने बताया था छतरी पलट जाती है। फाइन, अभी ऐसे था, रिएक्शन के बाद ऐसे हो जाता है। ये कब पॉसिबल है गाइस, जब ये स्ट्रिक्टली जो यहां पे कार्बन है लेस हिंडर्ड हो, जितना लेस हिंडर्ड होगा इन्वर्जन उतना फास्ट होगा। मैंने बोला था क्राउडिंग जितना कम होगा इस हैलोजन पे, न्यूक्लियोफाइल उतना ही आसानी से अप्रोच कर पाएगा, उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन जितना अप्रोप्रिएट होगा इन्वर्जन उतना ही फास्ट होगा गाइस। सबसे अप्रोप्रिएट आपका लास्ट ऑप्शन नजर आ रहा है। फाइन, तो इसमें इस केस में स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन सबसे फास्ट होगा। फाइन, 2008 IEEE, नोट डाउन प्लीज गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स ABC, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। फिर से वही क्वेश्चन, कौन सा SN1 रिएक्टिविटी, और SN1 का नाम लेते ही क्या दिमाग में आता है? ओके, देख लीजिए, SN1 देते ही दिमाग में क्या आता है, SN1 देखते ही आता है क्या, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फास्टेस्ट रेट टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। गाइस ब्रोमाइड हटा के कार्बोकेटायन बना सकते हैं आप, ऐसे सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अगर आप इसे देखें तो ये क्या है, अगर मैं इसे बोलूं तो इसे मैं बोल सकता हूं ये 2 डिग्री क्या है, एलाइल। अरे है कि नहीं, 2 डिग्री एलाइल है। ये क्या है, 2 डिग्री ब्यूटाइल है, ये 1 डिग्री ब्यूटाइल है। फाइन, तो एलाइल अगर आप देखेंगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज गाइज अगर आएगा तो पाई बांड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा विथ हाइपर कंजुगेशन, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अगर यहां आएगा गाइज तो केवल केवल हाइपर कंजुगेशन से। तो बी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल जनरेट करेगा, तो बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव किस ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में, सबसे लीस्ट रिएक्टिव ए होने वाला है, बी मोर रिएक्टिव, ए लीस्ट रिएक्टिव, फर्स्ट ऑप्शन। देखा, देखते ही क्वेश्चन होने चाहिए गाइस, ये IEEE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइन, नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस देखेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़िए, खुद पढ़ के खुद ट्राई करने का प्रयास कीजिए। पहले पहले आपको यही करना होता गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूं कि फाइनली एग्जाम में आपको क्वेश्चन अपने आप पढ़ना होगा, अपने आप समझना होगा, अपने आप आंसर करना होगा, फाइनली सही बबल डार्क करने के ही नंबर मिलते हैं। तो गाइज ये बात ध्यान रखिए, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन, हम ही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो आपको कूल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फाइन, लेकिन गाइज अपने आप क्वेश्चन पढ़ना होता, अपने आप आंसर करना होता, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं पॉज द वीडियो और खुद ट्राई कीजिए और फाइनल आंसर फिर बाद में आप मैच कराइए, जस्ट गिव इट टू 5 सेकेंड टाइम अप। फाइन, SN1 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। गाइज ये 4 हाइलाइट्स फिर से दिए गएंगे, फिर से वही घूम के वापस आया, किसकी रिएक्टिविटी पूछा है, SN2 रिएक्शन की। अब बार बार करते करते तो लग रहा है सर ये क्या मजाक सा हो रहा है, SN2 का मतलब लेस क्राउडेड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड फास्टेस्ट रिएक्शन विथ SN1 मैकेनिज्म। 1 डिग्री कहाँ है, यहां पे 1 डिग्री है और यहां पे 1 डिग्री है,
ये ऑप्शन नहीं होने वाला, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन हमें पता है कि इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, खत्म, ऑप्शन ही खत्म। कौन सा ऑप्शन होने वाला है? सेकेंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री के बाद ये 2 डिग्री आ गया, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फिर लोगों को लग रहा सर ये तो बहुत पहले आया था। अरे अभी हम लोग 19 में जो आया वो भी करेंगे, फाइन। तो इसे देख लीजिए गाइस, आपका SN1 रिएक्टिविटी का सेकंड वाला ऑप्शन सही हुआ, सबसे पहले ये, फिर ये, लास्ट में सबसे 3 डिग्री, क्योंकि वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन देता ही नहीं, क्योंकि कंपेरिजन कर रहे हैं तो फाइनली आखिरी में आएगा। नोट कीजिए गाइस, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या फाइनली इसमें होने वाला है। गाइस, किसके अगेंस्ट रिएक्टिविटी पूछा, किसके अगेंस्ट अंडरलाइन करना होता पहले हमें कि किसके अबाउट बताना है। SN1 के बारे में बताना गाइस, तो हम क्या जानते हैं SN1 के लिए? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जितनी स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। गाइस, अगर हम लोग देखें तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। गाइस, इसे अगर आप थोड़ा सा बेहतर बता, ये पी बताता है पैरा CH3O, क्या पैरा मेथॉक्सी, इसे मैं थोड़ा सा इसके फॉर्मेट में चेंज करूं तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ये गाइस CH2Cl, ये पैरा मेथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड, ये है, फाइन। ये आपका थर्ड वाला दिया गया, थोड़ा सा इसे आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अगर गाइस इसमें देखें तो यहां पे अगर Cl आप निकालेंगे, यहां से आप Cl निकालेंगे, तो जो कार्बोकैटायन आएगा वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आएगा, क्या आएगा, पैरा मेथॉक्सी बेंजाइल कैटायन आएगा, और जो कि पैरा मेथॉक्सी बेंजाइल कैटायन प्लस M के थ्रू सबसे ज्यादा स्टेबल है, और सबसे लीस्ट स्टेबल सेकेंड आएगा, सबसे आखिरी में सेकेंड आएगा, सबसे आखिरी में सेकेंड आएगा। तो ये दो ऑप्शन में सेकेंड आया, फर्स्ट और थर्ड में थर्ड आएगा गाइस, तो इसीलिए ये ऑप्शन, फाइन। तो इस तरह से गाइस हमें क्वेश्चन करना होता है, इसे नोट कीजिए, फिर फाइन आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज रीड केयरफुली। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, छोटा सा क्वेश्चन है, एक रिएक्टेंट दे दिया, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट आपको बताना है। इस बार इन्होंने रिएक्टेंट दिया, रिएक्शन के नीचे लिख भी दिया कौन सा रिएक्शन आपको कराना है, SN2 मैकेनिज्म कराना है, SN2 रिएक्शन कराना है। गाइज, इसे आप अपने आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्पेस लूंगा इसे हटाने के लिए। गाइज, इसे आप आराम से ट्राई कीजिए, ऑप्शंस देखिए। जेई मेंस ऑनलाइन पहले जो हुआ करता था, अभी तो ऑनलाइन ही केवल हो रहा है, पहले ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग पेपर होता था, तो उसमें जो ऑनलाइन मोड में हुआ था 2018 में, उसका ये क्वेश्चन है गाइस, फाइन। इसे आप अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद मैं इसे बताता हूँ कैसे एक्चुअली होने वाला है। क्वेश्चंस देखिए, ऑप्शंस देखिए, अकॉर्डिंग बताइए कौन सा आंसर सही होगा, फाइन। मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसके लिए। गाइज, हम सोचेंगे क्या, मतलब कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, कॉन्सेप्ट क्या होगा अगर हम पहले ये सोचें, तो गाइज ये समझ में आता है कि अगर ऑप्शंस में देखिए तो ब्रोमीन की जगह गाइज सब में क्या आया है, OH आया है, यानी इस केस में ब्रोमीन इज द लीविंग ग्रुप गाइज, ओके। ब्रोमीन क्या होगा, अपना लीविंग ग्रुप होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब SN2 हमें बोल दिया गया है तो SN2 में गाइज क्या होता है, इनवर्जन, इन्वर्जन होता है। अच्छा गाइज, एक बात बताइए, हम क्या करें, हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है इन्वर्जन का, हमें सेंस क्या समझ में आता है, इन्वर्जन का सेंस समझ में आता है अगर ये सॉलिड बेस पे है गाइज, तो फाइनली जो बैक साइड से अटैक करके न्यूक्लियोफाइल आएगा वो किस बेस पे आएगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है तो कन्फिग्रेशन पलट जाएगा, यानी OH किस पे आएगा, डैश बेस पे आएगा। अगर ये बेस पे है ये तो डैश पे आ जाएगा OH, मतलब इसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन पलट के गाइस, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन अगर गाइस इस आप आंसर को आप देखते हो तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर और कुछ सोचते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन नहीं है तो जरा एक बात बताइए, हमारे पास ऑप्शंस दो होते हैं, या तो
इस दोनों बैलेंसी को फिक्स रखे, ब्रोमीन में बेस और डैश चेंज कर दे, या तो फिर इस बेस को रखे और जो दो बचे हुए दो बैलेंसी हैं, दो बॉन्ड हैं, उनके पोजीशन चेंज कर दे, तब भी तो कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा। जैसे अब ये ऑप्शन नहीं रहा तो जरा देखिए मैं दूसरा क्या सोच रहा हूं, इसके बाद अगर कोई होगा तो क्या होगा। मतलब अगर OH फिक्स रहे, अच्छा OH अगर फिक्स रहे तो ये बॉन्ड और ये दो बॉन्ड ही आपस में चेंज हो जाए। जरा देखिए ये जो CH3 मैं इसे लिख देता हूं अभी, तो ये CH3 अगर अभी लेफ्ट साइड में है, मैं इसे राइट साइड में ले आऊं, तब भी तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और अगर मैं बॉन्ड को चेंज कर रहा हूं तो इस बार हमें इसके कॉन्फ़िगरेशन को गाइस चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसके कॉन्फ़िगरेशन को भी चेंज कर दिया, बॉन्ड को भी चेंज कर दिया, तो वापस आपका सेम बेस में ही वापस आ जाएगा। यानी गाइस कुछ इस तरह से, इस तरह से। अब जरा देखिए क्या हुआ, क्या ये ऐसे रहेगा, क्या ये ऐसे रहेगा? नहीं, अगर इसको पलटा है आपने तो ये अभी डैश बेस पे है, पलट जाने के बाद ये किस पे आ जाएगा? सॉलिड बेस पे आ जाएगा। यानी इसका NH2 का कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। अच्छा, इस तरह का कोई ऑप्शन आपके सामने है? ये बना रहा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें इसके बेस को ही गलत कर दिया। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है, सेम बेस पे आ गया, मतलब उसी को BR हटा के वहीं लग गया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये है, फाइन। तो ये दोनों रहे नहीं, इसमें जरा देखें, हाँ ये वाला आंसर आपका सही वाला ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहां पे क्या हुआ, जो ये है सेम बेस पे वहीं लगा हुआ ये, लेकिन जो बाकी बैलेंसी थी वो पलट गई, यानी इस कार्बन के अबाउट, इस कारल कार्बन के अबाउट इन्वर्जन हो गया, फाइन। गाइस अगर मैं ये भी ऑप्शन में ना होता फिर क्या होता? अच्छा, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होता तो एक ऑप्शन और हम लोग बना सकते थे, वो क्या? इसको मैं डैश पे ले आऊं, इसको मैं डैश पे ले आऊं और इसको भी मैं डैश पे ले आऊं, तो क्या तब भी हो जाएगा? बिल्कुल। इसको डैश पे ले आने का मतलब इसके कॉन्फ़िगरेशन को मैंने पलटा लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदला, फाइन। फाइनली एक्चुअली ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया, ये बात तो उसके बारे में आगे नहीं सोचेंगे। देख लीजिए फाइनली क्या होने वाला है, या तो आप इसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन पलट दीजिए, इसको भी सॉलिड बेस पे था डैश पे ले आइए, या इसको फिक्स रखिए, बॉन्ड को ही पलट दीजिए, फाइन, तब भी कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा। तो इस तरह से थर्ड वाला ऑप्शन अपना आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट्स द SN1 रिएक्शन। गाइस अब इसमें तो समय नहीं लगना चाहिए, SN1 मैकेनिज्म के लिए कौन सा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का कर्व सही ड्रॉ किया गया है? गाइस पहले वाले में समस्या देखिए क्या है, पहले वाले में देखिए जो पहला ट्रांजिशन स्टेट है वो दूसरे वाले ट्रांजिशन स्टेट से लोअर एनर्जी का है, तो ये तो गलत है ना यार। हमने ये बताया था कि मल्टीपल स्टेप्स तो होते हैं लेकिन फाइनली जो पहला ट्रांजिशन स्टेट आता है यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी वेरियर मैक्सिमम होता है, फाइन, तो ये तो गलत हो गया। ये देखिए इसमें मल्टीपल स्टेप्स है गाइस लेकिन फर्स्ट वाले का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, सेकंड का मिनिमम है, तो फाइन ये वाला अभी तक का आंसर हमारे पास सही वाला आया। गाइस ये तो सिंगल स्टेप हुआ, ये तो SN1 का होता ही नहीं, SN2 का होता, ये इसमें भी मल्टीपल स्टेप्स है गाइस लेकिन दोनों स्टेप में जो इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट है सेम वेरियर पे है, तो ये भी फिजिबल नहीं है गाइस। तो दिस इज द करेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंटेड फॉर SN1 मैकेनिज्म, फाइन, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन,
आपके सामने द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एक रिएक्शंस दिया गया है, इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। आपके लिए 20 सेकंड्स स्क्रीन पे, तेजी से आपको करना है। आई एम नॉट ब्लॉकिंग, ओके फाइन, तेजी से हो गया होगा, हो गया होगा गाइस। कैसे पहचानेंगे क्या होने वाला, अगर आप देखिए क्या है, ये माइनस, ये प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है गाइस, इसी के तो आप DMF पढ़ते हो, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब फेबर क्या कर रहा है, ये बता रहा है डायरेक्टली कौन सा मैकेनिज्म, SN2, एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 मैकेनिज्म, फाइन। जरा अब जरा इसे देखिए, SN2 मैकेनिज्म यानी ये न्यूक्लियोफाइल किसके सब्स्टिट्यूट करेगा, फ्लोराइड आयन को या ब्रोमाइड आयन को? ऑब्वियसली यार अब इस स्टेज पे कोई फ्लोराइड आयन को नहीं बोलेगा, क्योंकि ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस क्वेश्चन होगा, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो जस्ट बेंजीन की न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, जो कि पार्शियली रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये नहीं, ऑब्वियसली क्या निकलेगा, ब्रोमाइड। और एक खास बात और, ब्रोमाइड निकल के वहीं पे सब्स्टिट्यूट होगा सच, लेकिन क्या रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन या इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ध्यान दीजिएगा, SN2 में क्या होता है, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, फाइन। तो यानी अगर ये सॉलिड पे लगा हुआ है या बेस पे लगा हुआ, सॉलिड बेस पे लगा हुआ है, तो ये अपोजिट प्लेन पे आएगा, यानी डैश बेस पे आ जाएगा ये, फाइन, यानी डैश बेस पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे में समस्या क्या है, दूसरे में हुआ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तीसरे वाले में तो एकदम गलत हो गया, बकवास का आंसर आया, क्यों, क्योंकि इसने फ्लोराइड को हटा दिया। और यानी कोई भी एक अच्छा स्टूडेंट क्या सोचेगा, ये दो ऑप्शन हट जाएंगे, ये दो ऑप्शन उसके पास आएंगे, और उसके बाद ये दोनों ऑप्शन कैसे जज करेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सब कोई जानता है कि SN2 में क्या होता है, इनवर्जन, ये क्या करेगा, बैक साइड से जब ये अटैक कर रहा होगा तो ये लीप करके CH3 पलट के उधर चला जाएगा, और अभी ये जो बेस पे लगा हुआ है, ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो डैश पे आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या होगा, राइट आंसर, फाइन। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी कार्ल स्टीरियो आइसोमर के अबाउट क्वेश्चन पूछा जाएगा SN2 में, तो इनवर्जन को आप भूलेंगे नहीं, उसे इग्नोर नहीं करेंगे, उसी के बेस पे क्वेश्चन था IIT एडवांस 2008 में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, नोट कीजिए। अगला बल्ट, अगला क्वेश्चन गाइस, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर ए SN2 रिएक्शन, एक SN2 रिएक्शन के अगेंस्ट हैलाइड्स की रिएक्टिविटी बतानी है गाइस। ये तो एकदम स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने पढ़ रखा था, कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ रखा था, कि भैया जब R फिक्स हो, हैलोजन्स बदल रहे हो, तो किस बेस पे ये बातें डिपेंड करती है, लीविंग एबिलिटी पे, जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा इस, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत ही आसान सा है। सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप आयोडाइड है, तो फाइनली आयोडाइड एक ही ऑप्शन में दिया गया है, देखिए आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा गया है, ठीक है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड, फाइन। IIT एडवांस 2002 में पूछा गया था क्वेश्चन, फाइन। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, जस्ट बेस्ड ऑन लीविंग एबिलिटी, फाइन, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जरा पढ़ने का, इस पर बताइए आंसर, एन SN2 रिएक्शन एट ए सिमेट्रिक, ये बात भी बता रहा है, एन एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ ए कंपाउंड ऑलवेज गिव, पहला ऑप्शन इनेंसियोमर्स ऑफ सबस्ट्रेट, ए प्रोडक्ट विथ अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, मे बी द मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर, ए सिंगल स्टीरियो आइसोमर, कौन सा आंसर होगा। इन्होंने बोला कि कोई कंपाउंड है, किस तरह से, कुछ इस तरह से, ये कोई ए है, ये बी है, ये सी है, कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है, ये SN2, कोई न्यूक्लियोफाइल, फाइन, हमें पता है ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, तो फाइन अप्रोच करते हुए एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट करेगा, ये ए बी सी और यहां पे ये एक्स, फाइन, और फाइनली जो प्रोडक्ट आता वो क्या आता, इनवर्जन ऑफ प्रोडक्ट आता, यानी न्यूक्लियोफाइल ए बी और यहां पे सी, इनवर्जन, यानी अगर ये प्लस रहा होगा, यानी अगर ये प्लस रहा होगा तो पलट के ये कौन सा आइसोमर बन जाएगा, माइनस आइसोमर बन जाएगा। अच्छा ऑप्शंस देखिए, इसी हिसाब से क्या इनेंसियोमर प्रोडक्ट आएगा,
नहीं भैया, एक्चुअली मिक्सचर भी नहीं आएगा, ये एक ओनली प्रोडक्ट आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ओनली प्रोडक्ट आएगा, मतलब या तो ये प्लस होगा या तो माइनस होगा डिपेंडिंग अपॉन दिस। अगर ये आर आइसोमर होगा तो ये एस होगा, अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो लीवो होगा, क्यों? ड्यू टू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इनसोमर्स किसी का होने से नहीं रहा, क्योंकि ये अकेले ही आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन खत्म। इसी तरीके से अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, हाँ ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है अभी स्टेज पे। मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर, ये भी खत्म, ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। ए सिंगल स्टीरियो आइसोमर, ये बात ज्यादा जेन्युइन लग रहा है, ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंगल स्टीरियो आइसोमर। क्या इसका कोई मिक्सचर भी आएगा? नहीं, एक ही प्रोडक्ट आएगा, एक ही स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो अगर सिंगल करेक्ट आंसर है तो दिस आंसर इज द परफेक्टली ऑल राइट फॉर दिस स्टेटमेंट। SN2 रिएक्शन के लिए ओनली सिंगल स्टीरियो आइसोमर्स प्रोडक्ट फॉर्म होगा, किसी का इनेंसियोमर किसी का डायस्टीरियोमर नहीं होगा। फाइन, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गाइज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जे एडवांस 2013 में पूछा गया, बेस्ड ऑन SN2 मैकेनिज्म। मैं चाहता हूं इसे आप अपने आप ट्राई करें, उसके बाद आप जज कर पाए अपने आप को कि आप सही आंसर पिक कर पा रहे हो या नहीं। फाइनली अपने आप इसे ट्राई करके एक बार आंसर आप मैच कराइए। आपके सामने चारों ऑप्शंस मैंने मेंशन कर दिए हैं। क्या बोला है? के आई इन एसीटोन अंडर गो SN2 रिएक्शन, गाइज SN2 रिएक्शन विथ ईच पी क्यू आर एस जो आपको दिए गए हैं, द रेट ऑफ रिएक्टिविटी वेरी एज। गाइज SN2 मैकेनिज्म के बारे में रेट पूछ रहा है इन पी क्यू आर एस में। फाइन, सबसे पहला काम SN2 आते ही दिमाग में अपन लोग के एक बात तुरंत सेट हो जाता है कि लेस हिंडर्ड हैलाइड फास्टेस्ट रेट टूवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, लेस हिंडर्ड। फाइन, यानी हमारे दिमाग में ये बात तो आ जाती है सबसे लेस हिंडर्ड हो, ठीक है, ये बात। फाइन, अब हम सबको जो जिसमें हमें कंपेयर करना होता है एक नजर उस पर सब पे हम डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। ये देख रहे हैं तो भैया सबसे ज्यादा रिएक्टिव हम लोगों ने देखा, ये क्या है? क्यू सेकेंडरी है, ये क्या है? प्राइमरी है। फाइन, ये है ये। गाइज इसे अगर आप पहचान रहे हो तो इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? अल्फा कार्बोनिल हैलाइड, आपको याद है मैंने लिखाया था अल्फा कार्बोनिल हैलाइड अगर कहीं पे है तो एक्सीलेंट रेट से SN2 रिएक्शन देता है, एक्सीलेंट रेट से, बाकी किसी भी हैलाइड के रिस्पेक्ट में सबसे फास्टेस्ट अंडरगो फॉर SN2 रिएक्शन। कारण मैंने बताया था कि इस कार्बोनिल का विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है, इस पे डेल्टा प्लस जनरेट होता है और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से उस पर अटैक कर सकता है। गाइस, यानी अगर किसी को यह बात पहले से पता थी, कौन सी बात? कि अल्फा कार्बोनिल हैलाइड फास्टेस्ट रिएक्शन देता है तो वो तो सोच पाएगा। अच्छा गाइस, अगर कोई ये ना सोचा तो क्या सोचा? इन तीनों में कंपेयर किया तो तीनों में कंपेयर किया तो बोला पी पहले आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्यू आएगा, ये सोचा। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है एल्किल हैलाइड। अच्छा, इन दोनों में कैसे चेक किया? ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री से पहले आएगा, तो ये ऑर्डर उसने सोचा कि ये आएगा। रही बात एस की, कि वो एस पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो अब अगर किसी को पता था तो उसे पता था कि भैया ये पहले आएगा। अगर पहले आएगा तो उसने बिना किसी परेशानी से, अगर किसी ने सोच भी लिया कि अल्फा कार्बोनिल हैलाइड फास्टेस्ट रिएक्शन देता है यानी एस पहले आएगा, तो भैया उसने सीधे सीधे आंसर टिक किया। क्यों? क्योंकि एस किसी में पहले है ही नहीं। लोग क्राउडिंग को यहां देखा होगा कि बेंजीन कार्बोनिल ये तो भैया स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है तो ये फास्ट रिएक्शन नहीं देगा, लोगों ने गलती ये कर दी। लेकिन आप ये गलती नहीं करोगे, अगर कहीं पे अल्फा कार्बोनिल हैलाइड्स है तो बाकी के रिस्पेक्ट में जो भी होंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उनसे फास्ट रिएक्शन देगा। फाइन, अच्छा एक बात और मुझे बताइए, किसी ने एस को पहली बार देखा, मैंने इसे हटा दिया, किसी ने एस को पहली बार देखा उसे घबराहट हुई कि एस कैसे हुआ, तो मैंने कहा कि भैया एस तो अलग रखो,
एस को अलग रखो, एस को हम अभी बाद में डील कर लेंगे, पहले जो तीन फैमिलियर हैं उनको डील कर लो। तो उसने ऐसे डील किया कि अगर ये तीन होते चौथा ना होता मैं ऐसे ऑर्डर बनाता। फिर मैंने कहा भैया इन तीनों ऑर्डर को उठा के लेके आओ, हर ऑप्शन में चेक करो पी क्यू आर, तो पी देखा क्यू देखा, ऐसा तो कहीं है नहीं, पी के बाद आर आना चाहिए, पी के बाद आर आना चाहिए, पी के बाद आर एंड क्यू। यानी एक बात आपको समझ में आई कि दो ऑर्डर हमें समझ में आ रहे पी आर क्यू, एक ऑप्शन में ये और एक ऑप्शन में पी आर क्यू ये। यानी एस को लेके आपको श्योर होना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है गाइज, यही तीनों का सिक्वेंस इतना गंदा लिखा होता है कि ऑप्शन सेलेक्ट करने में या एलिमिनेट करने में बहुत ही आसानी होती है, लेकिन इस केस में आपको एस को लेके श्योर होना पड़ेगा कि वो एस कंपाउंड है एथेनॉल में फास्ट देगा या स्लो देगा। तो एक बात ध्यान रखें, इसके विड्रॉइंग टेंडेंसी की वजह से यहां पे पॉजिटिव डेल्टा जनरेट होता है जो न्यूक्लियोफाइल को आसानी से अप्रोच कराएगा, तो एस सबसे फास्ट होगा। फाइनली आंसर हो चुका, फाइन, इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइज, अनदर वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लोग कह रहे हो सर ब्यूटीफुल, इसमें खूबसूरती क्या है? गाइज खूबसूरती क्या है इसे पढ़ने की बात समझ में आएगा। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको चार डिफरेंट हैलाइड्स दिए गए हैं, यानी ब्रोमाइड्स दिए गए हैं गाइज, और ऑप्शंस किस तरह से लिखे गए हैं यही खूबसूरती है इस क्वेश्चन की। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, कंपाउंड फोर्थ अंडरगो इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर फर्स्ट थर्ड फोर्थ इज, फोर्थ इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो एसएनवन मैकेनिज्म, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो सन टू मैकेनिज्म। खूबसूरती नजर आई गाइज इस क्वेश्चन की, पूरी जानकारी निचोड़ लिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, यही खूबसूरती इस क्वेश्चन की। यानी अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डेप्थ नहीं जानते होंगे, ओरली पढ़ लिया होगा कि ये इन्वर्जन होता है, ये सिंगल स्टेप होता है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, तो गाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती थी कि इन डेप्थ में पूछा है, इन डेप्थ में क्या पूछा, एक एक क्वेश्चन एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं उसको जस्टिफाई करते हुए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, फाइन। लेकिन अगर आप इसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए पहला ऑप्शन की तरफ साथ चलते हैं, कंपाउंड फोर्थ अंडरगो इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहा है गाइस, इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। फोर वाला कंपाउंड अगर आप देखें तो इसके पास एक कार्बन कार्बन है, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इससे रिएक्शन करेगा तो गाइज ये इन्वर्जन शो कर सकता है, कन्फिग्रेशन पलट सकता है, लिविंग ग्रुप जो है अभी कायरल कार्बन पे है तो ये इन्वर्जन शो करेगा, नो डाउट ये SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन शो कर सकता है। गाइज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, इस बात का ध्यान रखेंगे, मोर देन ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन जो कंपाउंड फोर है इन्वर्जन शो कर सकता है विद SN2 मैकेनिज्म, फाइन। पॉसिबिलिटी काउंट करना, इसने बोला नहीं है कि SN2 हो रहा है SN1 हो रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस किस में, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। दिस गाइस जरा इसको जो मैं इसे सर्कल कर रहा हूं जरा इसको देखिए, ये किसकी रिएक्टिविटी लिखी है, SN1 की या SN2 की? फिर कहोगे सर ये तो बोला नहीं है, मान लेते हैं अगर ये SN1 का होता तो जरा देखिए फर्स्ट थर्ड फोर्थ में SN1 कौन फास्टेस्ट देता, ऑब्वियसली थर्ड देता फास्टेस्ट क्योंकि ये 3 डिग्री की हैलाइड है। या और अगर आराम से और ढंग से सोचे, स्टेबल कार्बोकैटायन फोर्थ देगा भैया, तो फोर्थ सबसे पहले आएगा, फोर्थ सबसे पहले है, चलो मान लिया SN1 के रिस्पेक्ट में फोर पहले है। अच्छा फर्स्ट और थर्ड में भैया ये 3 डिग्री है, थर्ड पहले आना चाहिए जबकि ये फर्स्ट आ गया, ये बाद में आया, तो ये SN1 के लिए तो फेल हो गया। SN2 के लिए जरा बात करो, क्या SN2 के लिए फोर पहले आएगा,
नहीं, SN2 में इन्वर्जन प्रायोरिटी नहीं होता है, लेस हिंडर्ड प्रायोरिटी होता है। तो इन्वर्जन में पहला SN2 में पहले ये आएगा क्योंकि ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसमें स्टेबिलिटी का कोई खेल ही नहीं। तो ये जो ऑर्डर बनाया है सेकेंड ऑप्शन में गाइज, ना ही ये SN1 का है ना ही ये SN2 का है, तो ये दोनों के लिए ना ही SN1 ना ही SN2 के लिए है, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका गलत है। पहुंच रही है बात, ये जरा देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो SN1, क्या ये सही है? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड अगर आप देखेंगे तो ये भी कार्बोकेट अनस्टेबल बनाएगा गाइज, ये भी बेंजाइलिक कार्बन है, ये भी बेंजाइलिक कार्बन है, ये भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, एग्जैक्टली ये SN1 फॉलो करेगा। क्या कह रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN2, दोनों 1 डिग्री हैं, दोनों 1 डिग्री हैं, लेस क्राउडी हैं, SN2 फॉलो करेंगे, यानी ये भी सही है। कितने लोगों का सही हुआ ये अपने आप चेक कर सकते हैं आप। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं, जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। जब भी आप एडवांस के क्वेश्चन की एक्सपेक्ट करें तो आप ये जाने कि छोटे से कॉन्सेप्ट या ओवर व्यू से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एडवांस के क्वेश्चन क्रैक करने हैं गाइज, तो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। फाइन, तो जितने लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, आसानी से अटेम्प्ट किया, और जिसके सही हो गए, वो अपने आप को समझ सकते हैं कि उनकी जो नॉलेज है SN2 SN1 में वो अच्छी पकड़ है, कॉन्सेप्ट पे उनके अच्छी पकड़ है। फाइन, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीजन एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये, विनाइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या ये नई बात है? नहीं, बात नहीं है, हमने लिख रखा इसे, विनाइल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते इजली। फाइन, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है ये चेक करते हैं, इवन थ्रू द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन द क्लीवेज इज डिफिकल्ट टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। बात तो सही कह रहा है, अभी कह रहा है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो रहा है भले ही पाई बॉन्डेड क्लीवेज के साथ, बट डिफिकल्ट टू ब्रेक देयर बॉन्डिंग, ये बात भी सही है। लेकिन इतना जानना सही नहीं होता है, ऑप्शंस इस तरह से होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट, दूसरा ये था, तो अब पहला ऑप्शन ये होता, दूसरा होता फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन होता है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट बट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट, और लास्ट ऑप्शन क्या होता है, फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऐसे चार ऑप्शंस होते हैं। तो गाइज इस केस में ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन विनाइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, इस बात का ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से वो सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, ठीक है। तो कहां कार्बोकेटायन इसमें बनता है, कार्बोकेटायन बनता नहीं, उन्होंने बोल रहे हैं कार्बोकेटायन बनता है, तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो अपन लोग इसमें आंसर क्या मेंशन करेंगे, एसर्शन ए एंड रीजन आर बोथ इज करेक्ट बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन ए। फाइन, यानी सी ऑप्शन जो होता है वो सही हो जाएगा। जे मेंस 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनली ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन एक दूसरे के सही नहीं। दो क्वेश्चन और लिखे हुए हैं सामने, जरा इसे आप ट्राई कीजिए गाइज। बोला गया प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया, इसका आपको प्रोडक्ट बनाना है।
ड्रा द स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज द फॉलोइंग रिएक्शन गाइस। ये दोनों गाइस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछे गए थे 1996 में, यह क्वेश्चन 1994 में गाइस ये क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ ऑटोमेटिकली आप सोच पाएंगे कि ये फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा। ट्राई कीजिए, बनाइए, उसके बाद मैं आंसर मैच कराता हूँ गाइज। NaI इन एसीटोन इनडायरेक्टली आपको बोल दिया SN2 प्रोसेस। SN2 प्रोसेस में गाइज जरा देखिए यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है। इस लिविंग ग्रुप में अगर आप देखें तो क्या है, ब्रोमाइड आयन है। तो ब्रोमाइड आयन क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फाइन, अच्छा ब्रोमाइड आयन अगर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जरा देखिए किस तरीके से, कुछ इस तरह से। जरा देखिएगा, ब्रोमीन को हटा के आयोडीन लग गया, लेकिन इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें होगा। अच्छा किसी को लगा होगा सर यहीं से आपने ब्रोमीन हटाया और यहीं पे आयोडीन लगा दिया तो इनवर्जन कहाँ हुआ। भाई मेरे इनवर्जन हुआ इस कार्बन कार्बन के अबाउट अगर आप देखोगे और इस कार्बन कार्बन के अबाउट देखोगे तो इनवर्जन हुआ, लेकिन किसका। यहाँ पे देखिए इस H और PH के का प्रोजेक्शन को हमने चेंज कर दिया। अच्छा H और PH को अगर स्विच कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इस कार्बन कार्बन के अबाउट स्टीरियो आइसोमर पलट जाएगा। फाइन, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में आएगा, एक ऑप्शन ये आपके सामने होगा, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो गाइज ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में आपके साथ हो सकता है। एक बात और भी आपको मैं बता दूं, इसी समय क्वेश्चंस में डाउट आएगा, कभी कभी आपको देख के समझ में नहीं आएगा इनवर्जन हुआ कि नहीं हुआ, देख के नहीं समझ में आएगा, फिर कैसे चेक करोगे। फिर आप RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हो स्टीरियोआइसोमर में, RS चेक कर लेना। अगर मैं इसका चेक करके बताऊं तो आप देखिए नंबर वन किसको देना होगा, ब्रोमीन को इस कार्बन कार्बन के अबाउट। नंबर टू अगर दे तो यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इस कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ तो नंबर टू यहाँ देंगे, थ्री यहाँ देंगे, फोर यहाँ देंगे, तो वन से क्या आया, एस कॉन्फ़िगरेशन आया। लेकिन एस एस ना रह के क्या हो जाएगा, ये एस एस ना रह के आर हो जाएगा। क्यों, लोअर प्रायोरिटी एटम कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे। अगर ये आर आया तो गाइस इसका एस आना चाहिए, तो जरा चेक करके बताइए, इसको नंबर वन दिया, नंबर टू किसको दिया, नीचे, थ्री यहां पे, फोर यहां पे, जरा देखिए क्या आया, एस आया, एस आया, सॉरी आर आया। क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आर आता है। क्या आर को आर रहने देना है, नहीं। फिर से लोअर प्रायोरिटी एटम कहां पे है, लोअर प्रायोरिटी एटम कहां पे है, हॉरिजॉन्टल में, तो पलट के क्या हो जाएगा, एस। तो आप देख लीजिए यहाँ पे S कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यहाँ पे क्या R कॉन्फ़िगरेशन है। यानी जब आपको आंखों से देख के कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन समझ में ना आए तो उस स्टीरियो आइसोमर, उस कार्बन कार्बन के अबाउट जिसमें इन्वर्जन आप देख रहे हो, उस कार्बन कार्बन के अबाउट जिससे लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, उसके अबाउट आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना। अगर जिस पे लिविंग ग्रुप लगा है ओरिजिनली वो आर रहा होगा तो आफ्टर इन्वर्जन वो क्या हो जाएगा, एस। अगर वो ओरिजिनली एस रहा होगा तो इन्वर्जन के बाद क्या हो जाएगा, आर। ओके गाइस, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। फाइनली अब मैं इस सबको हटा के आपका को सीधा सीधा आंसर लिख देता हूं जो आपके सामने था। फाइन, pH, H, यहाँ पे ब्रोमीन, मेथॉक्साइड, H और ये pH, फाइन। और यहाँ पे क्या था, सोडियम आयोडाइड एसीटोन, फाइन। और प्रोडक्ट आपने कुछ इस तरह से बनाया था, यहाँ पे आयोडाइड लगा दिया था, pH को चेंज किया था, यहाँ पे H, यहाँ पे MeO, H, pH। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इन दोनों को चेंज करने के साथ साथ ये भी चेंज कर देंगे तो ऑप्शंस बहुत ही आराम से देखना। ये भी कार्बन कायरल है लेकिन इसके अबाउट स्टीरियो आइसोमर नहीं बदलेगा, उस कायरल कार्बन के अबाउट स्टीरियो आइसोमर बदलता है जिसके अबाउट ये SN2 रिएक्शन हम लोग परफॉर्म करा रहे हैं, उस कार्बन कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। फाइन, इसमें दो कार्बन कार्बन है और कार्बन कार्बन किसके अबाउट चेंज हुआ कॉन्फ़िगरेशन, इस कार्बन कार्बन से जिससे लिविंग ग्रुप लगा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन
आइडेंटिकल रहेगा. गॉट इट? नोट कीजिए इसे, इसको भी बता दीजिए. इसमें तो कोई परेशानी होगी ही नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कार्बन कार्बन है और इस कार्बन कार्बन को आप समझ रहे हैं सन2 बोला गया है. मतलब अगर इस साइड से ये अटैक करेगा तो ये लीविंग ग्रुप लीव करेगा और H क्या करके रिवर्स होके पलट के उधर चला जाएगा. यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन आप डायरेक्टली कुछ इस तरह से बना सकते हो, H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आएगा, CH3 और ये C2H5. यहाँ भी इन्वर्जन हुआ, यहाँ भी क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ, जैसे ऊपर वाले में इन्वर्जन हुआ था. अगर आप चाहे चेक कर लीजिए, नंबर 1 किसको दिया प्रायोरिटी में? ब्रोमीन को. नंबर 2 इथाइल, 3 मिथाइल, 4 यहां पे. एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखते हैं? एस. लेकिन एच कहां पे है? हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या लिख देंगे? आर. इस कंपाउंड का आर कॉन्फ़िगरेशन है, तो इन्वर्जन के बाद इसका एस आना चाहिए. जरा देखिए, 1 2 3 4 क्या आया? आर. आर क्या आर रहेगा? नहीं, लोअर प्रायोरिटी एटम हॉरिजॉन्टल में है तो क्या हो जाएगा? एस. ध्यान दीजिएगा, ये क्या R2 ब्रोमो ब्यूटेन से कन्वर्ट हो गया S ब्यूटेन टू ऑल. यानी R कॉन्फ़िगरेशन था, पलट के S हो गया. इसी को हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. फाइनली नोट कर लीजिए इसे. अगला क्वेश्चन गाइज, इस किसी एग्जाम में नहीं आया है, मैंने अपने तरीके से क्वेश्चन लिख दिया इसे. जरा अपने आप ट्राई करके सही आंसर पिक कीजिए, कुछ क्वेश्चन पुराने. फाइन, ट्राई कीजिए इसे अपने आप. गाइज, जितने क्वेश्चन आप ट्राई किए हैं उस सब से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है, बस रिक्स में रिएक्शन इन्वॉल्व हो गया है. फाइनली गाइज, क्वेश्चन को करना है. और हाँ यार, अगर कोई क्वेश्चन आपके दिल तक पहुंच जाए यार, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा वीडियो को. यार लाइक करने में यार कौन सा पैसा लगता है? फ्री में तो वीडियो जा रहा है ना, बस यार एक लाइक ही तो चाहिए होता. इससे यार हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, लगता है कि यार हमने कुछ किया जो आपको पसंद आया. फाइन, तो यार लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को. फाइन, नोट इसे ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर बताइए कौन सा आंसर आया. चलिए चलिए मैं इसे बताता हूं. क्या ये क्या गाइस? पहले स्टेप में NBS दिया गया. NBS का क्या मतलब है कोई बताएगा? NBS क्या करता है? NBS गाइस होता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड. यह करता है एलाइलिक ब्रोमिनेशन. एलाइलिक ब्रोमिनेशन. फाइन, एलाइलिक तो नहीं है, बेंजाइलिक है, तो बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करा दीजिए. यहां पे आ जाएगा CH2Br दिस वन. फाइन, ये आपका A बन जाएगा गाइस. दूसरे स्टेप में क्या दिया गया है? दूसरे स्टेप में दिया गया है CH3 कुछ. यहां पे ओ नहीं है यार, कुछ इस तरह से. फाइन, ये न्यूक्लियोफाइल दिया है, थायोमेथॉक्साइड, ठीक है. इन DMF इनडायरेक्टली बात किया SN2 के बारे में, इनडायरेक्टली. अब एक बात मुझे बताइए, किसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कराएंगे? आयोडाइड आयन को सब्स्टिट्यूट कराएंगे इस न्यूक्लियोफाइल से, या ब्रोमाइड आयन को? अब भैया इस स्टेज पे ये गलती नॉट एक्सेप्टेबल, ये गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर किसी ने आयोडाइड आयन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, भैया मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी लीविंग ग्रुप अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, इट मींस वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा. तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, ब्रोमाइड आयन सब्स्टिट्यूट होगा, ब्रोमाइड आयन सब्स्टिट्यूट होगा, आयोडाइड आयन नहीं सब्स्टिट्यूट होगा. बहुत से जो यहाँ पे दुखी आत्मा है, उन्हें लिविंग एबिलिटी पे ज्यादा तरस आ जाता है. कहते सर आयोडाइड आयन इज बेटर देन ब्रोमाइड आयन. लेकिन भैया लिविंग एबिलिटी होती है, लेकिन क्या किसी के स्टेबिलिटी से भी ज्यादा नहीं? फाइन, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है? पहला वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा. फाइन, नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2? SN2 मतलब लेस हिंडर्ड एल्किल हैलाइड. गाइस, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे थोड़ा सा परेशानी आपको होगी. क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो हर किसी में ये भी 1 डिग्री है,
ये भी वन डिग्री है, सब के सब क्या है वन डिग्री बेंजाइलिक, सब के सब क्या है वन डिग्री बेंजाइलिक। गाइस अब एक बात बताइए, अगर मैं वन डिग्री बेंजाइलिक सबको प्रिपेयर कर लूं, वन डिग्री बेंजाइलिक कुछ इस तरह से, अब गाइस जो यहां पे मैं जी कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कोई न्यूक्लियोफाइल अगर इसको अप्रोच करेगा तो इस जी के बदलने से ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, इस न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच कब करेगा, जब इस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा या डेल्टा पॉजिटिव कम होगा, सोच के बताइएगा। मैं बात कर रहा हूं SN2 की, अगर SN1 की करता तो मैं इसको हटा के पॉजिटिव ले आता और मैं बोलता कि भैया जो ग्रुप इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे उसके अगेंस्ट रिएक्टिविटी फास्ट होगी, किस मैकेनिज्म में, किस मैकेनिज्म में, SN1 मैकेनिज्म में, लेकिन बात किसकी कर रहा हूं मैं, SN2 मैकेनिज्म की, तो हम कार्बोकैटायन तो बना नहीं सकते। फिर किसी के दिमाग में आया सर कार्बोकैटायन अगर हम बना लें और उसमें SN1 का ऑर्डर लिख दें और फिर उसी का रिवर्स करके SN2 का लिख दें, हाँ सही तो हो जाएगा, सही हो जाएगा, आपका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन यार SN2 के बारे में बोले फिर आप कार्बोकैटायन बना रहे हो, थोड़ा सा बेईमानी सा लगता है SN2 के लिए अगर आप कार्बोकैटायन बनाते हो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो डेल्टा पॉजिटिव यहां पे ज्यादा जनरेट करेगा, प्योर पॉजिटिव नहीं, डेल्टा पॉजिटिव जो ज्यादा जनरेट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना फास्ट होगा। अच्छा बताइए कौन सा यह पॉजिटिव ज्यादा जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये पाई बांड को अपनी तरफ खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, लेकिन अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा तो पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए पाई बांड भेज देगा। तो एक बात समझ में आया, अगर कोई ग्रुप विड्रॉइंग टेंडेंसी का है तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ये बात अपने लैंग्वेज में लिख लेना अगर आपको याद ना रहे। अगर बेंजाइलिक सब के सब बेंजाइलिक हो तो बेंजीन पे लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट्स डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी, बात पहुंच रही? आप बताइए हमें, आपने बोला सर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, SN2 चाहिए तो हमें वो ग्रुप चाहिए जो माइनस इफेक्ट लगाता हो, विड्रॉइंग इफेक्ट लगाता हो, सर NO2 से अच्छा विड्रॉइंग इफेक्ट कौन लगा सकता है, तो रेट ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन फास्टेस्ट इन पैरा नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड। गाइज अगर यही SN1 के बारे में पूछता तो नो डाउट क्या हो जाता, फर्स्ट। अगर मैं ऑर्डर यहीं पे बना लूं इस क्वेश्चन का, ऑर्डर फॉर SN2, तो सबसे पहले D आएगा, फिर ऑब्वियसली C आएगा, फिर B, फिर A, यानी उसी तरीके का ऑर्डर बना ही है, मोर रिएक्टिव D, लेसर रिएक्टिव ए। ध्यान रखना ये ग्रुप डिसाइड करेगा, SN1 होगा तो कार्बोकैटायन बना लेना, SN2 होगा तो ग्रुप की विड्रॉइंग टेंडेंसी चेक कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा आपके क्वेश्चन सही होंगे, फाइन नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड रिएक्ट फास्टर विद सोडियम साइनाइड इन एन SN2 रिएक्शन? फिर से कौन सी बात, SN2 रिएक्शन के अगेंस्ट फास्टर रेट। गाइज SN2 रिएक्शन यहां पे लिविंग ग्रुप क्या है, मेथॉक्साइड आयन, लेकिन लिविंग ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है तो ये तो स्लोवेस्ट रेट देगा। गाइज इसे पहचानते हो, टॉसलेट आयन, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप में हम लोगों ने इसे पढ़ा था, टॉसलेट आयन, ये क्या गाइज मेथॉक्साइड आयन, तो अब ये क्या है टॉसलेट आयन। गाइस इन दोनों में टॉसलेट आयन है लेकिन ये 2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो 2 डिग्री होने की वजह से ये भी गया, अब ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। गाइस जब दोनों के दोनों 1 डिग्री हो तो हम किस पे आते हैं, लिविंग एबिलिटी पे आते हैं, यानी इन दोनों में किसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा है। गाइज हम पहले भी पढ़ चुके हैं टॉसलेट आयन की लिविंग टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, अगर किसी ने नहीं देखा पहले टॉसलेट आयन को तो मैं उसे याद दिला देता हूं, ये होता है टॉसलेट आयन, ठीक है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, T
CSO- in short, इसकी लीविंग टेंडेंसी CH3O- के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, लीविंग एबिलिटी। फाइन, तो ये सिंपली बेस्ड था लीविंग एबिलिटी पे। ओके गाइस, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। गाइस, आज का वीडियो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फाइन, और या फाइनली यार, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स फॉर दिस सेशन, प्लीज लीव इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।